मूवी बहुत अच्छी लगी। रणदीप हुड्डा ने जिस तरह से एक्टिंग किया, एज अ डायरेक्टोरियल साइड भी उन्होंने जिस तरह से मूवी को डायरेक्ट किया वो बहुत ही अच्छा था। एंड एक एक डिटेल, मेकअप के डिटेल जिन्होंने उस तरीके, वो जेल में थे और जिस तरीके से उन्हें दिखाया गया ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक मैंने पढ़ा था मूवी देखने से पहले कि उन्होंने 30 kg लॉस किया था फॉर दी मूवी, एंड इट वॉज रियली रियली गुड मूवी। एंड आज के युद्ध को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, एंड आई विल गिव 3 out of 5। एंड रणदीप हुड्डा को एज अ एक्टिंग वाइज, एज अ डायरेक्टर, आई विल गिव 5 out of 5। इट वॉज रियली शंकर जी की कहानी देख कर के आ रही हूँ, उनकी बायोग्राफी को दिखलाया गया। फिल्म 3 घंटे की थी तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रहा था, लेकिन फिल्म अगर आप रणदीप हुड्डा के फैंस हैं तो आपको ज़रूर आके देखनी चाहिए। और फिल्म में कितनी सच्चाई है या कितने फैक्ट्स बदले गए, इस पर ना जाते हुए फिल्म को फिल्म के तरीके से देखें तो फिल्म रणदीप हुड्डा के अगर आप फैन हैं आपको अच्छी लगेगी। फिल्म में अंकिता गुलघंटे भी हैं तो उनका काम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगी। क्या रूँ वीर सावरकर, इसमें रणदीप हुड्डा की जब आप एक्टिंग अभिनय देखेंगे तो मुंह से आपके निकलेगा वाओ, बट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छी हो सकती थी जो कि चूक गई। और दिखाया गया है कि एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर क्या क्या जतन करते हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। भाई फिल्म ठीक थी, बढ़िया थी। फिल्म में सबसे अच्छी बात फिल्म का एक्शन था, जो एक्टर ने रणदीप हुड्डा जी ने काम किया है वो बहुत लाजवाब था। देखिए उन्होंने वीर सावरकर का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया ना, बहुत कमाल का दिखाया था। आई एम वेरी इंप्रेस्ड अबाउट दिस। गुड मूवी वीर सावरकर। आई थिंक स्वतंत्र भी इट्स कम टू लेट, अभी 2024 में आ रही है, जबकि जब उनका देहांत हुआ है 1966 में, उसके बाद आई थिंक किसी फिल्म डायरेक्टर ने इग्नोर करा। और रणदीप हुड्डा काबिले तारीफ है जो इस मूवी को लेके आए हैं, और एक ऐसा हमारा भारत का जो अभी चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा है कि द विजन फॉर विकसित भारत, उसे हमारे माइंड में क्लैरिटी हो कि क्या चीज़ हमें गलत पेश कर रहे थे। बिकॉज हम लोग गुलाम रहे तो आज भी हम लोग गुलाम के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स ने पेश किया उसी को सर्व करते रहे। तो ये मूवीज डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है। एंड रणदीप हुड्डा की बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है इसमें। सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, लोकमान्य तिलक हैं इसमें, जो है गांधी जी को दिखाया है, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन मूवी। स्टार इसको 5।